हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ कुमार, इंडिया स्टडीज़ और भारत स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जल्दी से आप सभी लोग सेशन में जुड़ जाइए और फटाफट से आज के सेशन का सुपर मॉक टेस्ट 2 को हम शुरुआत करने वाले हैं। जल्दी से फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में जुड़ करके बता दीजिए क्या वॉइस एकदम प्रॉपर आ रही है, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर आ जाइए, ठीक है। जल्दी से फटाफट से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर आ जाइए और उसके बाद जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बताइए क्या वॉइस एकदम प्रॉपर आ रही है दोस्तों। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। जुड़ चुके हैं अर्पिता, खुशबू, नैना, रितु, राहुल, सब लोगों को नमस्कार, सब लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से एक बार सेशन को शेयर करके आ जाइए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ और उसके बाद हम जो है आज का सुपर मॉक टेस्ट 2 यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। ऑल ओके, चलिए शुरुआत करते हैं बड़े प्यारे प्यारे शानदार क्वेश्चन से। ये जो लेवल यहाँ पर मैंने लिया है आप लोगों के CHSL के 12 तारीख से जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन एग्ज़ाम्स में आप लोगों का डेफिनेटली ये हेल्प करने वाला है। तो ज़बरदस्त क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। जल्दी से आप सभी लोग एक बार पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझना क्या कहा जा रहा है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आपको बताना है 56 जिस तरीके से 30 से संबंधित है उसी तरीके से आपका 78 किससे संबंधित होगा। फटाफट से आंसर बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, आकाश मौर्य, काफी दिनों बाद आप लोग आप यहां पर आए हैं, कहां चले गए थे। तो आंसर यहां पर बताया जा रहा है 56। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा दोस्तों। 5 और 6 इनका मल्टीप्लाई ही कितना है, 5 × 6 और कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या आपका 7 × 8 56 हो जाएगा क्या? क्या ऑप्शन में 56 आप लोगों को है? सबसे पहले आप लोगों को यही सोचना था आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों। 56 बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे यहां पर बी बता रहे हैं सबका सही। रितु, रोहित, मीना, सब लोगों का आंसर जो है 56। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पर प्रश्न है। जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर आ जाइए। जितने बच्चे यहां पर सेशन को देख रहे हैं लाइक, शेयर और कमेंट में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और जल्दी से आप लोगों को आंसर बताना है क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2। चलिए, आशुतोष पांडे, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का इंडिया स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग 6 बजे डेली यहाँ रीजनिंग की लाइव क्लास होती है जिसे आपको लेना ही लेना है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए क्या आंसर होगा प्रश्न का। कहा जा रहा है आपसे कि ड्रोन, DRON और E, ड्रोन को क्या लिखा जाता है भाई, SER इस तरीके से, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा। डी का मतलब हो जाएगा 4, आर का मतलब हो जाएगा 18, ओ का मतलब हो जाएगा 15, एन का नंबर हो जाएगा 14, ई का नंबर हो जाएगा 5, एस का आपका 19, ई का आपका 5 हो जाएगा, आर का आपका 18, एफ का 6 और ओ का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई, फटाफट से बताओ इतनी बात क्लियर है। राहुल कुमार सिंह सेकंड में डी बता रहे, रितु बी बता रही है, खुशबू सोनी सेकंड में बी बता रहे, रोहित मीना सेकंड में बी। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, 4 के बाद लिखा है 5, मतलब क्या इसको 1+ लिखा जा रहा है क्या, और आर के बाद लिखा है 19+1 लिखा जा रहा है, 15 के बाद लिखा जा रहा है 18, मतलब कि बीच वाले लेटर में प्लस का 3 किया गया होगा, और 14 के बाद लिखा जा रहा है 15, मतलब प्लस का 1, और 5 के बाद लिखा जा रहा है 6, मतलब प्लस का 1। अब आपको करना क्या है, बड़ा आसान है, H के बाद क्या आ जाएगा, I आ जाएगा,
तो यहाँ आ जाएगा आपका आई, ओ के बाद क्या आ जाएगा पी, पी आई किसी ऑप्शन में है क्या, पी आई आपके पास यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आगे चला अगर अपन देखें तो यू का नंबर होता है आपका 21, 21 में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना भाई 24, 24 नंबर कितने का होता है एक्स का होता है, पी आई एक्स, पी आई एक्स आपका बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे यहां पर बी बता रहे हैं सभी के सब सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से आंसर बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन यहां पर एक बार बता देता हूं कहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है दोस्तों 11, यहां लिखा है 12, यहां लिखा है 18, यहां लिखा है 6, 5, 4, 57, 19 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पर क्या आएगा, फटाफट से आंसर बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर आइए और फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर बताइए क्या आंसर होगा प्रश्न का। चलिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आंसर बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं लॉजिक यहां पर क्या लगने वाला है। अगर आप बात करें 11 की तो 11 का यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो आपको मिलेगा 121, और अगर आप बात करें 4 की यदि 4 का क्यूब कर दिया जाए तो आपको कितना मिलेगा भाई 64। एक बार जरा माइनस करके देखते हैं, 11 में से 4 जाएगा आपका बचेगा 7, 11 में से 6 जाएगा आपका बचेगा 5। क्या ये 57 यहाँ पर लिखा है क्या, क्या यही लॉजिक मिला है क्या, 69। पूजा भाटी कह रही है सर 69। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो 12 का अगर आप स्क्वायर कर दें तो 144 आपको मिलेगा और 5 का यदि आप क्यूब कर दें तो 125 आपको मिलेगा। यहाँ अगर देखा जाए तो क्या 19 यहाँ पर मिलेगा क्या, बिल्कुल आपको 19 यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप यहाँ बात करें तो 18 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 324, 6 का क्यूब आप यहाँ कर दीजिए 216 घटा दीजिए 14 में से 6 जाएगा आपका 8 बचेगा। किसी ऑप्शन में आपका 8 है क्या, डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 31 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 10, 108 आपका आंसर। जितने बच्चे यहाँ पर हैं वो सभी के सभी 108, राहुल कुमार सिंह 108 इज़ द आंसर। चलिए वेरी गुड, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे यहाँ सेशन को देख रहे हैं जल्दी से एक बार आप लोग सेशन को शेयर करके आ जाइए और फटाफट से सभी लोगों को यहाँ पर बुला लीजिए। मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, सबका आंसर आना चाहिए। फटाफट से देखिए सॉल्यूशन बताइए भाई क्या सॉल्यूशन होगा प्रश्न का। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा फटाफट से बताइए। चलिए एक बार देखते हैं क्या आंसर होगा। जैसे 32 के बाद लिखा है बी, ए का मतलब क्या है घटाना, तो यहां लिख देते हैं ए का मतलब है माइनस, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, सी का मतलब है आपका प्लस, सी का मतलब क्या है भाई प्लस, और डी का मतलब क्या है डिवाइड। ठीक है, खुशबू सोनी फोर्थ में डी बताया जा रहा है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आशुतोष पांडे 19 बता रहे हैं, चलिए 19 या 9, सभी को गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। 32 के बाद लिखा है बी, बी का मतलब मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस आपका 12 मल्टीप्लाई बाई
ब्रैकेट और ब्रैकेट में 35 माइनस 24, सी का मतलब प्लस हो जाएगा 52 और डी का मतलब हो जाएगा 4। कैसे होगा 32 इंटू 4, 4 दुनी 8, 4 तीय 12, माइनस 12 पहले मल्टीप्लाई 16 होगा, 35 में से 24 जाएगा कितना बचेगा भाई, 35 में से 6 और 5 11 बचेगा यहाँ पर, प्लस 4 से इसको काट दो 13 बार कट जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें 128 माइनस 12 इंटू 11 करने पर कितना आएगा, 12 इंटू 11 करने पर आपका हो जाएगा 132 और प्लस हो जाएगा 13। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस का 4 और इधर है प्लस का 13, डिफरेंस लेंगे तो प्लस का कितना बचेगा 9, प्लस का 9 किस ऑप्शन में, डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे यहाँ पर डी बता रहे हैं सब के सब सही, डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जितने बच्चे भाई डी बता रहे हैं सबका आंसर सही होगा। ज़ारा सिद्दीकी 9 बता रही है, रितु डी बता रही है, ज़ारा, रोहित शर्मा सभी को गुड इवनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से आंसर बताइए क्या आंसर होगा। आपको शब्दों को डिक्शनरी के हिसाब से जमाना है, सबका आंसर यहाँ पर आना चाहिए। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड्स का अरेंजमेंट। चलिए जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर आइए भाई, ठीक है, आप लोगों के लिए हम यहाँ पर हैं तो आप लोगों को भी यहाँ पर होना चाहिए, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करके आइए। संचल पाल गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, फटाफट से एक बार सेशन में जुड़ जाइए, सभी लोगों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। तो रियलिस्टिक रियलिज्म, रिस्टोर रिसर्च और रिसर्च, आपको बताना है विकल्पों में से सही अनुक्रम का चुनाव करना है, तो क्या आंसर होना चाहिए, डी बता रहे हैं, फिफ्थ में डी बताया जा रहा है। चलिए चेक करते हैं आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी में आर ई कॉमन है, सब में कॉमन क्या है मेरे भाई, आर ई कॉमन है, आर ई के बाद अगला लेटर क्या है ए, यहाँ क्या है ए, यहाँ क्या है एस, यहाँ पर एस और यहाँ पर क्या है एस, पहले ये दोनों वर्ड अरेंज होंगे, ए के बाद यहाँ पर क्या है एल और ए के बाद यहाँ क्या है एल, एल के बाद यहाँ है आई, यहाँ है आई, आई के बाद यहाँ है एस, यहाँ है आपका S, S के बाद यहाँ है M और यहाँ है T, पहले क्या आएगा M आएगा कि T आएगा, आप कहेंगे सर पहले M आएगा, एक नंबर इसको दे दो, दो नंबर इसको दे दो, ठीक है, तो एक नंबर पे दो और दूसरे नंबर पे एक, 21 किसी ऑप्शन का स्टार्टिंग होना चाहिए, 21 आपका यहाँ है, 21 यहाँ है, 21 यहाँ है। आगे अगर अपन बात करें, S के बाद यहाँ लिखा है T, यहाँ लिखा है E और यहाँ लिखा है U, पहले क्या आता है पहले आपका ई आता है, तो नंबर 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, नंबर 4 आपका यहाँ चला जाएगा और नंबर 5 आपका यहाँ चला जाएगा। 21 के बाद में 4 होना चाहिए, आपका ऑप्शंस क्या होना चाहिए, 2, 1, 4 और उसके बाद में अगर देखा जाए तो 3 और 5, 21, 435 किस ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जितने बच्चे यहाँ पर डी बता रहे सबके सब जो हैं सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से आंसर बताइए, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4 संख्या युग्म है और आपको बताना है कि इस शेष भिन्न है, एक भिन्न है यहाँ पर, एक अलग है, आपको उस अलग की पहचान करनी है, क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। चलिए फटाफट से आंसर बताइए क्या आंसर होगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर आओ भाई। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, 43 के बाद 318, 53, 378 क्या आंसर होगा, चंचल पाल ए बता रही है, चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। तो फटाफट से एक बार लॉजिक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि क्या लॉजिक लगा रहे हो तुम लोग यहाँ पे, 6 में आंसर यहाँ पर बता रहे हैं सर ए होगा, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में लॉजिक लिख करके बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग नम्रता, फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करके आइए,
43318 53378 37266। चलिए और 45322 क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। देखिए अगर आप यहां चेक करें, बी ऑप्शन से चेक करें कैसे होगा, चलिए देखते हैं। 53 और 378 तो 53 मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 53 के पास पहुंचने के लिए लगभग लगभग ये 53 50 के नियरेस्ट है। अगर आपको 50 के पास पहुंचना है तो अगर 50 इंटू 6 करें तो 300 हो जाएगा, अगर 53 इंटू 7 करें तो 7 करने पर कितना आ जाएगा भाई, 7 21 हो जाएगा, हासिल का 2 7 5 35 और 2 37 371, यहाँ कितना लिखा है 378, प्लस कर दो इसमें 7 कितना आ जाएगा 378 आ जाएगा। अगर बात करें 37 तो 37 इंटू अगर हम 7 करें तो 7 7 49 हो जाएगा, बचा कितना 4, 7 21 और 4 हो जाएगा 259। 259 में यदि 37 इंटू 266 ठीक है, 7 7 49 9 4 50 7 21 और 4 259 में तुम अगर 7 जोड़ दो तो 266 आ जाएगा। ठीक है ये वाला भी बन गया, ये भी बन गया। अगर अपन बात करें 45 की तो 45 इंटू 7 करने पर कितना आएगा भाई, 7 5 35 3 7 4 28 और 3 31, प्लस इसमें 7 कर दो तो 322 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब ए ऑप्शन चेक करो, 43 मल्टीप्लाई 7 करने पर 7 21 7 4 28 और 2 30, प्लस अगर 7 कर दो तो 308 आना चाहिए। आपको यहाँ पर कितना दिया है 318 दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे यहाँ पर ए बता रहे हैं उन सबका आंसर सही। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से आंसर बताइए क्या आंसर होगा प्रश्न का। भाई जल्दी तो करा देंगे, समझ में भी तो आना चाहिए ना। कौन है ये आशु एजुकेशन पॉइंट, जल्दी करा देंगे समझ में, कुछ नहीं आएगा समझ में, आना चाहिए। फटाफट से आंसर बताइए, क्या सीरीज को इस सीरीज को कंप्लीट करिए क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए फटाफट से आंसर बताइए क्या आंसर होगा। देखिए वाई आर एल जी क्वेश्चन मार्क और जेड लिखा है, वाई का नंबर कितना होता है 25 होता है, आर का नंबर कितना होता है 18, एल का 12, जी का 7, यहाँ -7, यहाँ -6, यहाँ -5, यहाँ -4, साथ में 4 जाएगा 3 बचेगा, 3 का मतलब सी होता है। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे यहाँ पर ए बता रहे सब सही, ए ए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा, नॉन वर्बल का क्वेश्चन यहाँ पर, नॉन वर्बल का क्वेश्चन, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। जल्दी से एक बार आंसर बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सारे ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए डायग्राम सबको दिखाई दे रहा होगा, फटाफट से आंसर बताइए क्या आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आंसर बताइए। रोहित शर्मा स्क्रीन को क्लियरिटी बढ़ा लीजिए। चलिए फटाफट से आंसर बताइए आंसर क्या होगा, क्या बता रहे हो, सही बता रहे हो। चलिए देखिए खुशबू सोनी 8वें में ए बता रही है मैराथन जल्दी आने वाली है, मैम की मैराथन के बाद मेरी मैराथन आने वाली है, बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहला वाला ब्लॉक भरा है, ब्लॉक यहाँ पर सेकंड वाला भर चुका है, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद फोर्थ वाला, अब ब्लॉक भरना चाहिए पाँचवें नंबर पर। पाँचवें नंबर पर ब्लॉक कहाँ भरा हुआ है, या तो इसमें भरा हुआ है या फिर इसमें भरा हुआ है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब अगर अपन बात करें सर्कल यहाँ पर एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, सर्कल कहाँ भरा होना चाहिए, यहाँ भरा होना चाहिए। किस ऑप्शन में सर्कल यहाँ भरा है फटाफट बताओ, ये वाला नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा ये पांचवें नंबर पर। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे यहाँ पर सी बता रहे सब सही, जितने बच्चे यहाँ पर सी बता रहे सबका सही, रोहित शर्मा सबका सही। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से आंसर बताइए आंसर क्या होगा, ब्लड रिलेशन का सवाल, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर बताइए। चलिए तो देखिए ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, ए मल्टीप्लाई बी ए बी का भाई है, ए डिवाइड बाई बी ए बी का बहन है, आपको बताना है कि एच पी का ग्रैंडसन है, ये कौन सी वाली
ये कौन सी वाली यहाँ पर जो डायग्राम है वो आपका शो करेगा, फटाफट से आंसर बताइए आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से आंसर बताइए आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शंस में से आंसर क्या होगा। जूम करना है, चलिए जूम कर देते हैं, जूम करना है जूम कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर बताइए, नाइन्थ का आंसर बताइए जल्दी से। नेल सिंह कह रहे हैं नाइन में बी, देखते हैं क्या आंसर सही होगा। चलिए डी बताया जा रहा है, बी बताया जा रहा है, नाइन्थ में सी भी बताया जा रहा है। चलिए चेक करते हैं पहला ऑप्शन, जरा चेक करते हैं फटाफट से पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन में यहां देखिए आपको बताना है कि एच पी का ग्रैंडसन है, एच पी का ग्रैंडसन है, इसका मतलब क्या हुआ देखो आप ध्यान से, जो एच है ना वो एक मेल होगा, उसके ऊपर इसका कोई पेरेंट्स होगा और उस पेरेंट्स के ऊपर होगा कौन पी, बात समझ आ रही है। एच पी का ग्रैंडसन है, पी का कोई बेटा या बेटी होगी, ग्रैंडसन आपका नाती भी हो सकता है और आपका पोता भी हो सकता है, पी के नीचे कोई होगा या तो लड़का होगा या लड़की होगा, उसका कोई बेटा होगा एच, इतनी बात क्लियर है। एच को कौन कौन सा सिंबल है, एक ऐसा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल होगा। अगर आप यहाँ देखें एच के बाद क्या लिखा है प्लस, प्लस का मतलब क्या है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, एच यहाँ पर है पी यहाँ पर है, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखो तो एच के बाद लिखा है पी, एच के बाद क्या लिखा है पी, इसको आप अभी फिलहाल लेफ्ट कर दीजिए। सेकेंड अगर अपन बात करें एच मल्टीप्लाई, एच मल्टीप्लाई का मतलब भाई है। अब जहाँ पर एच के बाद में डिवाइड लिखा है, एच के बाद डिवाइड लिखा है, ए डिवाइड बाई बी का मतलब ए बी की बहन है, एच डिवाइड बाई एम का मतलब क्या हो जाएगा एच एम की बहन है। ये तो ऑप्शन आपको चेक ही नहीं करना है, सी वाले जितने बता रहे हैं, सी जितने बता रहे हैं उतना तो सही है, सी जितने लोग बता रहे हैं उनका सबका गलत है। खुशबू सोनी सी बता रही बिल्कुल गलत हो जाएगा, देखते ही गलत करना है। एच के बाद यहाँ लिखा है प्लस, अब करना क्या है वो ध्यान से देखो, आपको ऑप्शन चेक करना है ए बी और डी। पहला ऑप्शन अगर अपन चेक करें एच के बाद लिखा है प्लस के, मतलब कि जो है एच जो है वो पिता हो जाएगा किसका के का, के बाद लिखा है आपका डिवाइड बाई डी, डिवाइड का के प्लस डी, के प्लस डी का मतलब क्या हो जाएगा भाई के जो है वो पिता है किसका डी का, इतनी बात क्लियर है। के पिता किसका हो जाएगा डी का। आगे अगर अपन बात करें डी मल्टीप्लाई पी, डी मल्टीप्लाई बी का मतलब है डी भाई हो जाएगा किसका पी का, डी भाई हो जाएगा किसका पी का। आप ये बताओ कि एच और पी ये रिलेशन यहाँ पर होगा क्या, नहीं होगा ना, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत। सेकंड वाले की बात करते हैं पी प्लस के, पी प्लस के का मतलब पी जो है वो पिता है किसका के का। आगे अगर अपन बात करें के प्लस डी, के किसका पिता है भाई डी का, के किसका पिता हो जाएगा डी का। डी डिवाइड बाई एच, डी डिवाइड बाई एच का मतलब डी जो है वो बहन हो जाएगी किसकी एच की, और एच इंटू एम, एच इंटू एम का मतलब क्या हो जाएगा एच भाई है किसका एम का, एच भाई हो जाएगा किसका एम का। क्या पी का ग्रैंडसन हो गया क्या एच, क्या पी का ग्रैंडसन हो गया क्या एच, क्या पी का एच ग्रैंडसन है क्या, आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे यहाँ पर बी बता रहे हैं सब सही, नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, फटाफट से आंसर बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आपके सामने, फटाफट से आंसर बताइए जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से आंसर बताइए क्या आंसर होगा, टेक योर टाइम जल्दी से आंसर बताइए। फटाफट से आंसर बताइए आंसर क्या होगा। जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करके आइए, जल्दी से आंसर बताइए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या बता रहे हो तुम लोग। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 60 छात्रों ने 3 प्रतियोगिताओं में एक या एक से अधिक हिस्सा लिया है, जो कि प्रश्नोत्तरी, अचिंचित व्याख्यान और चर्चा है। कुल 22 छात्रों ने या तो केवल प्रश्नोत्तरी या केवल अचिंचित व्याख्यान में हिस्सा लिया है। 4 छात्रों ने तीनों प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लिया है और कुल 14 छात्रों ने केवल 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिस्सा लिया है। कितने छात्रों ने केवल तर्क में हिस्सा लिया है। तो करना क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है,
टोटल बच्चे कितने हैं 60, 60 में से माइनस कर दो, सबको जोड़ दो, 22 प्लस 4 और प्लस कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 18, 18 और 22 कितना हो जाएगा 40, 60 में से 40 को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 20, 20 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ एक परीक्षा में भाग लिया है, आंसर क्या हो जाएगा भाई 20, जितने बच्चे यहाँ पर 20 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से आंसर बताइए, काउंटिंग द फिगर का क्वेश्चन, सब लोगों का आंसर आना चाहिए, जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करके आइए और आंसर बताइए आंसर क्या होगा। रोहित शर्मा 10th में 20 बता रहे हैं, बहुत सही। राहुल कुमार सिंह बहुत बढ़िया। पायल प्रिया 10th में 20, बहुत सही। चलिए जितने बच्चे यहाँ पर 20 बता रहे हैं सबका सही, फटाफट से आंसर बताइए आंसर नंबर 11 का आंसर क्या होगा। चलिए स्पीड के लिए तुम कह रहे हो तो स्पीड बढ़ा दी हमने, ठीक है, कमाल करते हो, तेज पढ़ाओ तो दिक्कत, धीरे पढ़ाओ तो दिक्कत। क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। आशुतोष पांडे 22 बता रहे हैं, नेल सिंह 11 में सी। चलिए देखते हैं भाई, आशुतोष पांडे सी बता रहे हैं, चलिए 22 बताया जा रहा है, 11th में डी बता रहे हैं, खुशबू सोनी डी बता रही है, चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो अधिकतम बच्चों का आंसर यहां पर 22, चंचल पाल 22, नितिन वर्मा 22, जारा 24। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए क्या इस वाले फिगर का आंसर क्या होगा, इस वाले फिगर का आंसर क्या होगा फटाफट से देखो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 का जस्ट दुगना कर दो कितना आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा 16। उसके बाद अगर अपन बात करें इस फिगर की तो यहाँ कितने बनेंगे 3, इस फिगर की बात करें यहाँ कितने बनेंगे 3, 3 और 3 6, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जितने बच्चे यहाँ पर 22 बता रहे सबके सब जो है ना सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जितने बच्चे यहाँ पर 22 बता रहे सबका जवाब सही, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, फटाफट से आंसर बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सिलोगिज्म का सवाल, जल्दी से आंसर बताइए आंसर क्या होगा। चलिए कुछ नर्तक लेखक हैं, तो कुछ नर्तक क्या हो जाएंगे लेखक हो जाएंगे, सभी लेखक छात्र हैं, सभी लेखक क्या हो जाएंगे छात्र, ठीक है। आपसे नंबर एक, कुछ छात्र नर्तक हैं, क्या कुछ छात्र नर्तक है क्या, पहला सही हो जाएगा। कुछ छात्र लेखक हैं, कुछ छात्र लेखक हैं, सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। कोई भी छात्र नर्तक नहीं है, कोई भी छात्र क्या नहीं है नर्तक नहीं है, ये गलत हो जाएगा, कम से कम कुछ छात्र तो नर्तक है ही ना। चलिए 12 में आंसर क्या बता रहे हो, 12 में आंसर सी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। चलिए यहां पर एक कमेंट कर रहा है बच्चा, सर बड़ा वाला ट्रायंगल कौन लेगा, क्या कमेंट है एक बार देखना चाहूंगा, किसने किया है वो कमेंट, आशुतोष पांडे कह रहे हैं सर बड़ा वाला ट्रायंगल कौन लेगा, सर कौन से वाले बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हो भाई, कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, किसकी बात कर रहे हो, हैं कोई भी बड़ा ट्रायंगल नहीं बन रहा है, जो बड़े ट्रायंगल थे वो सारे हमने ले लिए हैं, ये हमने ले लिया है, ये ले लिया है हमने, सब कुछ तो ले लिया है, आंसर क्या होगा 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फटाफट से बताइए 13 का आंसर क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस यहां पर हो रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के ही हो रहे हैं, चलिए रोहित शर्मा 22 बिल्कुल सही है, 22 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, उसका दिमाग और सवाल में लगाओ, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। डी जे क्यू सी
ELTG FNWK और GPZO। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? प्रीवियस ईयर के ही पेपर चल रहे हैं, ठीक है? तो फटाफट से आंसर बताइए, आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? चलिए 13 का आंसर बता रहे हो, बी। तो डी के बाद लिखा है ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या आ जाएगा भाई? एच आ जाएगा। किस ऑप्शन में एच है? यहां है, यहां है, यहां है। जे के एक छोड़ दिया, एल, एल के बाद में एम एन ओ पी क्यू आर, यहां क्या आ जाएगा? आर। एच के बाद आर कहां पर है भाई? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एच आर, एच आर। यहां देखो क्यू के बाद लिखा है टी, कितना प्लस हो गया? 3। टी के बाद डब्ल्यू, W के बाद Z, Z के बाद क्या आ जाएगा? C, H, R, C। किस ऑप्शन में? B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे यहां पर B बता रहे, सबका सही। चलते हैं नेक्स्ट, अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट से आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? टेबल्स, वुडन ऑब्जेक्ट और चेयर, कौन सा वाला रिलेशन यहां पर होगा? वेन डायग्राम का क्वेश्चन। पूजा भाटी कह रही है, सर सम और नो में आइदर और नहीं लगेगा क्या? आइदर और तब लगता है जब दोनों कंक्लूजन डाउट में हो, एक सही और एक डाउट नहीं लगेगा। चलिए, होली की मिठाई मांग रहे हो, अब कौन सी होली बची है? हाथों का कलर छूट गया, अब कोई होली बची नहीं है, मिठाई तो जो है ना खत्म हो गई सब। मुस्कान भार्गव कह रही है, सर आपकी ऑल वीडियोस कहाँ मिलेगी? प्रीवियस की ऑल वीडियोस आपको मिलेगी इंडिया स्टडीज के प्लेलिस्ट में जाकर के। फटाफट से आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? 14 का आंसर क्या बता रहे हो? नितिन वर्मा कह रहे हैं सर ए होगा, चलिए देखते हैं। तो टेबल्स, वुडन ऑब्जेक्ट और चेयर, अगर अपन ये मान के चलें कि वुडन ऑब्जेक्ट ये है, तो क्या इनमें से कुछ टेबल हो सकती है और कुछ आपकी क्या हो सकती है? चेयर्स हो सकती है। जितने बच्चे यहां पर आंसर ए कर रहे हैं, सभी लोगों का आंसर ए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर बताइए फटाफट से, क्या आंसर होगा? चलिए देखते हैं आपकी जीके कितनी मजबूत है, जीके कितनी बढ़िया है, चलिए देखते हैं। फटाफट से एक बार सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को एक बार लाइक करेंगे फटाफट से। एक निश्चित कूट भाषा में इथोपिया को अफ्रीका लिखा जाता है, ठीक है? तब इसी कूट भाषा में ब्राजील को किस प्रकार लिखा जाएगा? फटाफट से आंसर बताइए। पंद्रह का आंसर, जल्दी से आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? अर्पिता सरकार 15 में डी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 15 में डी, चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इथोपिया जो है वो अफ्रीका से संबंधित है, इथोपिया जो है अफ्रीका से संबंधित है, ठीक है? अफ्रीका का ऊपरी भाग में क्या है? इथोपिया। तो ब्राजील आपका कहाँ है? ब्राजील आपका कहाँ हो जाएगा? साउथ। ब्राजील आपका कहाँ हो जाएगा मेरे दोस्तों? साउथ अफ्रीका, ठीक है? जितने बच्चे यहाँ पर साउथ बता रहे हैं, आशुतोष पांडे ने यहाँ पर कहा है सर बी होगा, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका, माफ कीजिएगा, साउथ अमेरिका, ठीक है? ब्राजील आपका साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आंसर बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या आंसर होगा? फटाफट से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, कौन सा वाला समूह से संबंधित नहीं है? चलिए, तो जितने बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं साउथ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? नॉर्थ नहीं होगा,
रोहित मीना कह रहे हैं सर 250, अर्पिता सरकार 250 यहाँ पर बता रही है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। अगर आप यहाँ देखें तो 2 के बाद लिखा है 6, 6 के बाद लिखा है 14, 14 के बाद लिखा है 30, 30 के बाद लिखा है 62, 62 के बाद 126। तो 2 3 6 में 2 2 4 प्लस 2, ठीक है, 6 2 12 प्लस 2 14 हो गया, 14 × 2 28 प्लस 2, 30 2 60 प्लस 2, 62 × 2 प्लस 2, 126 × 2 जब आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, 252। 252 में 4 जोड़ दोगे 254 आएगा, 250 यहाँ पर गलत है, आंसर क्या हो जाएगा 250। जितने बच्चे यहाँ पर 250 बता रहे हैं सबका सही। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आंसर बताएंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फटाफट से आंसर बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। 17, खुशबू सोनी 17 में सी, आशुतोष सी, पायल प्रिया सी बता रही है, चंचल किरण तिवारी ए बता रही है। एक बार फिर से चेक करें व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 17 का। देखो आप ध्यान से 17 में अगर आप देखें तो इस तरीके से यहां पर एक इमेज बन रही है और ये इमेज जो है वो आपको किस फिगर में नजर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो यहां पर देखो आप, ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये इमेज बनी हुई है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। जितने बच्चे यहां पर सी बता रहे हैं सबका सही, जितने बच्चे यहां पर सी बता रहे हैं सबका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट से आंसर बताइए आंसर क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर जो सबसे पहले बताएगा नाम उसी का लूंगा, फटाफट से आंसर बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो, चलिए नेक्स्ट फेंक दिया है, जल्दी से झेलो, ठीक है, आंसर बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पाउंड को 106 क्लीन को 41 और आपसे पूछा जा रहा है कि मेकर का क्या होगा। जल्दी आंसर बताएं। 18 का आंसर बताइए, जल्दी आंसर क्या होगा। मुस्कान भार्गवा 54। चलिए नितिन वर्मा, यार समझ नहीं आता, कुछ बच्चे ऐसे हैं पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी मतलब उनको चाहिए होता है ना, मनोरंजन नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे नहीं। आप लोगों को पता है आप लोग बार बार आते जाते हैं उससे कितना दिल में मेरे को तकलीफ होती है, मेरा दिल में कितना दर्द है तुम लोगों को पता है। तुम आते हो जाते हो ऐसा लगता है जैसे कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ इसलिए तुम भाग जाते हो, या तो आया नहीं करा करो या फिर जाया नहीं करा करो, ठीक है। तो 54 आंसर होगा। चलिए जितने बच्चे यहाँ पर 54 बता रहे सबके सब सही, एक बार फटाफट से लॉजिक कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि क्या लॉजिक लगाए हो, 54 कैसे आया है, फटाफट से एक बार लॉजिक लिख करके बताओ कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। शायरी एकदम लास्ट में, शायरी तुमको सुना के जाएंगे, बिना शायरी के जाएंगे नहीं, बिना शायरी के आज जाएंगे नहीं, शायरी जरूर तुमको सुना के जाएंगे। चलिए तो 54 का लॉजिक क्या है, फटाफट से आंसर बताओ क्या लॉजिक लगाया हो 54 में, जरा देखे तो सही तुम्हारा लॉजिक। चलिए वोवल्स का डबल, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड,
किरण तिवारी कह रही है सर वोवेल्स का क्या करना है, डबल करना है। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, पी पी का नंबर कितना होता है 16, ओ का नंबर कितना होता है 15, यू का नंबर आपका 21, एन का नंबर आपका 14 और डी का नंबर आपका 4। मल्टीप्लाई कर दो वोवेल्स का मल्टीप्लाई 2 से और कॉन्सोनेंट का मल्टीप्लाई 1 से। 16 × 1 कितना आ जाएगा 16, 15 × 2 = 23 हो जाएगा, 21 × 2 = 42 हो जाएगा, 14 ऐसे कैसे और 4 ऐसे कैसे, सबको जोड़ लो बेटा। अब क्या होगा चलो देखते हैं, 14 और 4 = 18, 18 और 42 तुम्हारा हो जाएगा 60, 60 और 30 तुम्हारा हो जाएगा 90 और 90 और 16 कितना हो जाएगा मेरे शेरो 106। ठीक है तो ये लॉजिक यहां पर फंसा हुआ है, अब आपको क्या आंसर बताना है। चलिए अब यहां पर देखो मेकर का लिखा है, तो मेकर कितना हो जाएगा, मेकर का आपका हो जाएगा 13, ए का मतलब होता है आपका 1, 1 का दुगना करेंगे 2 हो जाएगा, 1 का दुगना करेंगे क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, प्लस के का मतलब आपका 11, ई का मतलब आपका दुगना हो जाएगा 10 और आर का मतलब कितना हो जाएगा 18। 13 में 2 जोड़ेंगे 15 और 11 26 और 10 36 और 18 कितना हो जाएगा मेरे शेरो 54 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे जितने मेरे चीते यहां पर 54 बता रहे सबके सब सही हैं। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है क्या, कोरोना केस काफी बढ़ रहे हैं, तुमको पता है भरे कोरोना में गवर्नमेंट ने राजस्थान पुलिस के पेपर ले लिए, तो अब एसएससी के क्यों नहीं होंगे, बैंकिंग के सारे एग्जाम हुए हैं है ना, तो अब ऐसा कुछ लफड़ा नहीं रहेगा, वैक्सीनेशन को जस्ट डबल और ट्रिपल रेट से बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो। शायरी का अंतिम समय में शायरी, जबरदस्त शायरी ढूंढूंगा बनाऊंगा कुछ भी करूंगा लेकिन शायरी सुराए बिना जाऊंगा नहीं, जल नहीं पीऊंगा आज एकदम जो है, फटाफट से आंसर बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट झेलो, आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। ऑडिशन में होता है सिलेक्शन, तो भाई बता ए बी सी और डी क्या आंसर होगा। ऑडिशन में तुम्हारा करा दिए सिलेक्शन, तो अब तुम क्या करोगे, कंपटीशन में पोयम लिख के आओगे नहीं, लॉयलिटी जिसको साथ करोगे उसके साथ फ्रॉड नहीं, एग्जामिनेशन में क्या हो जाओगे पास हो जाओगे, 10+2 की कुर्सी तोड़ दोगे, मशीन को फॉल्ट, आंसर क्या हो जाएगा एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे और ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाएंगे। 19 का आंसर क्या होगा भाई सी, कमाल करते हो सारे के सारे जो हैं डायलॉग रट के रखे हैं, कौन कौन सा डायलॉग बोलता है टीचर का नाम तक पता है, गजब। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से आंसर बताइए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बड़े खतरनाक बच्चे हो, चलिए फटाफट से आंसर 20 बताओ, आंसर 20 क्या होगा। चार संख्या तुम चार ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। नेक्स्ट फेको सर, कमाल करते हो क्वेश्चन फेंका थोड़ा ही जाता है, क्वेश्चन तो दिया जाता है। डिस्टेंस, वॉल्यूम, गैलन और वेट क्या आंसर होगा प्रश्न नंबर 20 का। आशुतोष पांडे, पायल, प्रिया अधिकतम छात्र यहां पर 20 का बता रहे, अच्छा ये कौन है भाई, राहुल कुमार सिंह 20 में ए बता रहा है, 20 में सी, 20 में ए क्यों आएगा, 20 में अर्पिता सरकार कह रही सर 20 में ए, हाउ कैन दिस। देखो डिस्टेंस आपका एक मापक है जिसमें आपको दूरी मापी जाती है, वॉल्यूम आपका एक आयतन है, गैलन आपका क्या चीज़ है वो भी बताता हूँ, वेट आपका वो चीज़ है जिसमें भार मापा जाता है, गैलन खुद एक क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या होता है भाई, गैलन का मतलब क्या होता है, लगभग गैलन का मतलब होता है 4.55 लीटर। ठीक है तो गैलन आपका आउट ऑफ ग्रुप हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा भाई गैलन, गैलन आपका 4.55 लीटर के बराबर होता है, आंसर क्या आ जाएगा मेरे चीतो, आंसर हो जाएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से एक बार सेशन में कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
सेशन में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सवाल का लेवल कैसा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, है भाई तुमसे क्या मांगा, कुछ नहीं मांगा ना, जल्दी से एक बार लाइक करके दिखाओ। चलिए गेलन इज द आउट ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से आंसर बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन विजिबल करा देता हूं, मैं तुम्हें क्वेश्चन विजिबल करा देता हूं, ठीक है। शायरी का इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यह बताओ जल्दी से। चलिए तो यहां पर देखो दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा होगा तुमको कि ये डाइस जो है ना वो किस तरीके से, मैं तुमको दिखा देता हूं। मन की आंखों से देखो सब कुछ नजर आएगा, जो नजर नहीं आता है ना वो भी नजर आएगा। चलिए देखो फटाफट से, यहां लिखा है मेरे प्यारे चीतो, यहां लिखा है बेटा ए, यहां लिखा है बी, और यहां लिखा है यू, यहां लिखा है क्यू, यहां लिखा है एल, और यहां लिखा है ई। चलिए ये फेंक दिया डाइस का सवाल, जल्दी से धमाके से इसको खेल जाओ और आंसर बताओ। सुपर मल मीणा, सागर मल मीणा, भाई 6 बजे डेली लाइव क्लास होती है, जुड़ना ना भूलें। सवाल और जवाब दोनों तुम्हारे पास, जल्दी से आंसर बताओ। क्या बता रहे हो डी? चलिए अधिकतम छात्र यहां पर बता रहे हैं सर डी। फटाफट से देखो, जल्दी करो, जिस रेस में तुम भाग रहे हो लोग वहां पर अंतिम समय पर पहुंच चुके हैं, जल्दी बार फटाफट से आंसर बताओ क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं, यहां पर ए का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे शेरो? यू हो जाएगा। ए के अपोजिट में क्या आएगा? यू। क्यू के अपोजिट में क्या आएगा? ई आ जाएगा, ठीक है। और बी के अपोजिट में क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? डाटा हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? चलिए ये आपका क्या हो जाएगा? डाटा हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें कि कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा, कौन सा युग्म आपका कहां होगा? विपरीत दिशा में होगा। तो देखो भाई, एल के सामने यू होगा क्या? नहीं होगा। बी के सामने क्या ई होगा क्या? कतई नहीं होगा। ए के सामने क्यू होगा क्या? कतई नहीं होगा। और क्यू के सामने ई होगा क्या? चलो देखो, क्यू के सामने क्या ई के दर्शन हो गए क्या? तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने मेरे यहां पर छोटे भाई बहन डी बता रहे हैं ना, सबका आंसर सही। जितने भाई डी बता रहे हैं, जितनी बहनें डी बता रही हैं, सबका आंसर सही। चलिए आकाश मौर्य कह रहे हैं सर ये किस स्टेट की लैंग्वेज है? ये मेरे स्टेट की लैंग्वेज है, ये राजस्थान री लैंग्वेज है भाई। फटाफट से आंसर अगला बता, रेक के आंसर होगा, जल्दी बता। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा वाला अक्षर सूक्ष्म? क्या पूछ रहा है, क्या फेंका जा रहा है, जल्दी बता। अक्षर समूह का सही दर्पण छवि बताना है, मिरर इमेज पूछा है, दर्पण को राइट में रखा जा रहा है ऐसा यह कहता है। जब लंबवत दर्पण को अक्षर समूह के दाईं ओर रखा जाए, सवाल को ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में दाईं ओर रखेगा, बाईं ओर रखेगा, ऊपर रखेगा, नीचे रखेगा, जिधर रखेगा हमको उधर की तरफ देखना है। समझ आई मेरी बात? यूपी की लैंग्वेज इसलिए लग रही है ना क्योंकि जितने भी मैंने ऑफलाइन जहां पर भी क्लासे ली है वहां पर अधिकतम जो है ना फैकल्टी यूपी की होती है। अब आपको पता है यूपी वालों का गणित और रीजनिंग में तो तगड़ा दिमाग होता है कि नहीं होता है। चलिए फटाफट से आंसर बताओ, आंसर क्या होगा 22 में? क्या बता रहे हो तुम? डी बता रहे हो क्या? चलिए आंसर क्या हो जाएगा भाई 22 में? डी। देखते हैं आंसर क्या होगा। आर क्यू बी एच के एच एन टी, इतने आसान क्वेश्चन तुम लोगों के गलत नहीं होना चाहिए। नरसिंह कुमार सी, भाई आंखों को जूम करके देखो, ठीक है, आंसर समझ आ जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
तो फटाफट से देखो, सी तो बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कहाँ से आते हैं ऐसे बच्चे? सी कैसे होगा जरा देखो, यहाँ टी लिखा है तो पहला लेटर क्या होगा मेरे शेर? टी होगा। टी के बाद यहाँ क्या लिखा है? एन। अब ध्यान से समझना, एन बच्चों को बनाना नहीं आता, मैं कैसे बनाता हूँ वो देखो आप। तुम आपने एन को ऐसे बनाएंगे, एन कैसे बनाएंगे भाई? ऐसे बनाएंगे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए, एच कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। के कैसे बनाओगे? के बनाओगे तुम ऐसे। बी कैसे बनाओगे? बी बनाओगे ऐसे। क्यू कैसे बनाओगे? क्यू ऐसे बनाओगे। और आर कैसे बनाओगे रे भाई? आर ऐसे बनाओगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? किस ऑप्शन में बना रखा है? आपका डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, कई सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें क्यू में बहुत लफड़ा होता है। अगर आपने क्यू इस तरीके से बना रखा है, सपोज करो क्यू अपन ने बना रखा है इस तरीके से, इसके राइट साइड में जब रखोगे तो ये जो डंडी है ना, ये डंडी इस तरीके से आएगी। बच्चा यहाँ पर डंडी पे ध्यान नहीं देता है और फिर जो है ना नंबर कट जाता है। जब आंसर की देखता है तब पता चलता है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया सारा काम। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेरो? डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने यहां पर नन्हे मुन्ने बालक डी बता रहे हैं, सब सही। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से आंसर बता, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख और फिर जो है ना मैं क्वेश्चन तुमको दिखाता हूं। दिल की आंखों से देखोगे तो क्वेश्चन नजर आ जाएगा, और नहीं आए तो फिर कमेंट बॉक्स में बताओ, वो तुमको दिखाएं क्वेश्चन। चलो दिखाई देते हैं तो ना तुम नाराज हो जाओगे। देखो, एक ये गोला था, उस गोले को आधा पार्ट है ना आपने इसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया, चिपका दिया इस तरीके से। आगे अगर अपन बात करें, फिर से आधा पार्ट क्या कर दिया भाई? घुमा दिया। ठीक है, और उसके बाद इस आधे पार्ट में क्या बनाया गया? एक तो आपने यहां पर बनाया एक स्क्वायर, ठीक है, और तीन स्क्वायर यहां बना डाले, एक दो और तीन। इतनी बात क्लियर है? मैं एक बार फिर समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं जिससे तुम लोगों को क्या दिखाई दे जाएगा, फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा गलत होने का। ये इस तरीके से मोड़ा गया, एक स्क्वायर यहां पर बनाया गया, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। इतनी बात क्लियर है? चलिए, मुझे पता है तुम्हें विजिबल नहीं होगा, विजिबल कराएंगे इसे विजिबल कराएंगे। कैसे कराएंगे देखो आप, छोटी मोटी बातों की टेंशन मत लिया करो, है ना, जब तक सौरभ सर जिंदा है ना इधर स्क्रीन पर, तब तक। स्क्रीन के बाद क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, एक स्क्वायर यहां पर, एक स्क्वायर यहां, एक स्क्वायर यहां और एक स्क्वायर यहां, और आपने मोड़ा हुआ है इसको इस तरीके से। यहां देखो स्क्वायर कैसे बन रहे हैं भाई? ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तुम लोग तब तक बातें करो, तब तक मैं तुमको क्वेश्चन जो है ना विजिबल करवाता हूं। देख लो कहीं जुगाड़ बैठ जाए कोई कमेंट बॉक्स में, मानोगे तो हो नहीं तुम। चलिए, चलिए क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। सी बता रहे हो क्या? 23 में अधिकतम बच्चे यहां पर सी बता रहे, और जितने मेरे प्यारे बच्चे सी बता रहे हैं ना, सबके सब है ना, तुम एकदम जीनियस हो, मतलब एकदम जबरदस्त। चलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, फिर देखो शायरी भी सुनानी है, जल्दी बताओ प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा।
फटाफट से आंसर बताइए कि कौन सा वाला सेट के जैसा दिखाई दे रहा है। चलिए क्या आंसर होगा जल्दी बताओ, मानोगे नहीं ना तुम लोग। देख बेटा एक सीख दे रहा हूं, ध्यान से सुन ले। मोहब्बत कभी किसी की इजाजत की मोहताज नहीं होती, यह हमेशा से चलती आई है और हमेशा से चलती रहेगी, ठीक है। तो इसको तुम है ना रोक नहीं पाओगे। फटाफट से आंसर बताओ, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, चोरे सवाल बता, उत्तर क्या होगा, क्या बता रहे किरण कुमार रेड्डी। चलिए देखो कैसे होगा, 88 और 60 दोनों को जोड़ दो, 8, 8 और से 14 डिवाइड लगा दो 4 का, 4 तीय 12 और 4 सत्य 28, 37। लॉजिक समझ आ गया क्या, लॉजिक समझ आ गया क्या भाई। चलिए अगले अगर अपन बात करें किस ऑप्शन में ये लॉजिक लगा हुआ है, 70 और 36 दोनों का टोटल करें, 4 का भाग दे दें 38 नहीं आएगा, 56 और 38 ये वाला ऑप्शन हो सकता है। एक बार ज़रा चेक करते हैं, 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1, 5 और 3 8 और 1 9, 94 में 4 का भाग देंगे 28 कभी नहीं आएगा। यहाँ देखो 43 और 19 ये भी नहीं आएगा, 94 और 42 4 और 2 6 9 और 4 13 भाग देंगे 4 का, 4 3 12 4 6 16 34, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे यहाँ पर डी बता रहे हैं ना भाई, सबका आंसर सही है। जितने बच्चे यहाँ पर डी बता रहे हैं सबका आंसर सही है, फटाफट से आंसर बताओ। चलिए नेक्स्ट, और यहाँ आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 सबका आना चाहिए, और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 25 का तुम आंसर बताओगे ना तो यह मान के चलना मजा आ जाएगा। जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट से आंसर बताओ आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से आंसर बताइए आंसर क्या होगा। 24 में डी, चलिए तुम लोगों के लिए भी है ना एक शायरी है मेरे पास। तुम लोग भी क्या है कि बार बार आते हो भाग जाते हो, फिर आते हो फिर भाग जाते हो, फिर खुश कर देते हो आके फिर जा करके भाग जाते हो, ठीक है। तो तुम भी क्या कर रहे हो मेरे साथ, डिजिटल नफरत कर रहे हो, मुझे ऑनलाइन देखते ही तुम ऑफलाइन हो जाते हो। चलिए फटाफट से आंसर बताओ आंसर क्या होगा। चलिए 25 पे क्या बता रहे हो, सी बता रहे हो। ट्वेंटी फाइव में कुछ बता रहे हैं सी, कुछ बता रहे हैं डी। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। देखते हैं आंसर क्या होगा। चलिए जितने बच्चे यहाँ पर सी बता रहे हैं सबके सब एकदम सही, गेप इज नॉट इक्वल। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। तो आर एस टी यू यहाँ पर अगर आप देखो तो सीरियल चल रहा है, एक एक का सीरियल चल रहा है। यहाँ देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पर भी वही सीरियल चल रहा है। आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ देखो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी सीरियल चल रहा है। यहाँ पर देखो जे के बाद लिखा है एन, प्लस का हो गया चार, जे के बाद लिखा है प्लस का हो गया कितना चार, एन के बाद क्यू लिखा है प्लस का हो गया तीन, क्यू के बाद कितना लिखा है भाई एस, प्लस का हो गया दो। तो यहां पर है ना गेप इक्वल नहीं है, गेप जो है ना वो इक्वल नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेरो, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे यहां पर सी बता रहे हैं सबके सब एकदम सही, जितने बच्चे यहां पर सी बता रहे हैं भाई सबके सब जो है एकदम सही हो जाएंगे।
चलिए चलिए, जितने बच्चे यहां पर सेशन को देख रहे हैं फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो भाई। सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे थे, क्या ऐसे और सेशन आप लोगों को चाहिए, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ क्या आपको मिक्स क्वेश्चंस के और इस तरीके के सेशन चाहिए। चलिए फटाफट से एक बार बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। चलिए तो देखिए दोस्तों, आज की जो शायरी है हमारी, आपसे वादा किया था आप सुनानी तो पड़ेगी आपको। तो खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। क्या कहा मैंने कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी सच्चे हो एक दिन आपका साथ जरूर छोड़ जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप की काबिलियत को बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि आपको कभी किसी के सामने झुकने की ज़रूरत ना पड़े, आप कभी किसी का कंधा जो है ना वो आप ढूंढते ना फिरें। तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।